वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मास्टर कैडेट प्रेपरेशन का जो जियोलॉजी का एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, जो सिलेबस से रह गया था, और इसमें मैं आपको करवाऊँगा पैरासाइट्स कॉजिंग द ह्यूमन डिजीज़। जो इम्यूनिटी के टॉपिक में है, कौन कौन सी बीमारियाँ कॉज करते हैं, और सिलेबस में मलेरिया, फिलेरिया, एस्केरियासिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस एंड रिंग वॉर्म के बारे में पूछा गया है। तो इसको हम इस वीडियो में डिटेल में करेंगे, और मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। पूरा समझने के लिए वीडियो के एंड तक देखिएगा, और कोई भी डाउट हो आपको तो काइंडली कमेंट करिए कमेंट बॉक्स के नीचे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक जो हमारा है मलेरिया का। सो मलेरिया जो है, ये स्पोर फॉर्मिंग प्रोटोजोन के अंडर आता है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, डैट इज़ अ प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट, जो प्रोटोजोआ है और मलेरिया करता है। तो काफ़ी डेडियस्ट डिजीज़ है, WHO ने कहा है, काफ़ी लोग इससे सफ़र हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है, ये कॉस्मोपॉलिटन है, हर एक जगह मिलता है, और इसका जो होस्ट है, इसके दो होस्ट हैं, मैन एंड मॉस्कीटो। मलेरिया मैन में करता है, बट ये मॉस्कीटो के लिए हार्मलेस है। तो यहाँ देख सकते हो दो तरह के मच्छर दिए हैं हम, उसको बैठने से देख सकते हैं। एनोफ्लीस जो है, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है, वो एंगल 45 का बना के बैठता है, एंगल से एनोफ्लीस याद कर सकते हो। और क्यूलक्स जो है 180 पे बैठता है, इसको क्यूलक्स कहते हैं। अलग अलग बीमारियां करते हैं। तो मॉस्कीटो जो है वो कंटेन करता है सेक्सुअल फेज, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है किसी भी पैरासाइट की, उसको हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं, और उसको फाइनल और डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं। मैन के अंदर ये सेक्सुअल फेजिस चलती है, इसके लिए इसको सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट का नाम देंगे। और काफ़ी इसकी स्पीसीज हैं एनोफ्लीस की, यहाँ पढ़ सकते हो। लाइफ हिस्ट्री ये डाइजेनेटिक है, दो होस्ट में जाता है, और इसकी तीन फेजिस आती हैं, साइजोगोनी, गैमोगोनी, स्पोरोगोनी। जो साइजोगोनी है, ये एसेक्सुअल फेज है, मैन के अंदर शुरू होती है। गैमोगोनी मैन के अंदर शुरू होती है, मॉस्किटो के अंदर ख़त्म होती है। स्पोरोगोनी जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीपल फिशंस हैं, जो मॉस्किटो के अंदर चलती है। चलिए इसको ज़्यादा ना करते हुए थोड़ा ब्रीफ में ही करते हैं, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो आपको ईजिली ये समझ आ जाए। तो यहाँ इस फ्लो चार्ट को देखिए, ये पूरा साइकिल उसका कंप्लीट कर रहा है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द प्लाज्मोडियम। साइजोगोनी जो है ह्यूमन में होगी, ह्यूमन इंटरमीडिएट होस्ट है। सबसे पहले जब इन्फेक्शन करता है तो लीवर के सेल में जाता है, फ्रेश सेल में। लीवर के सेल में स्पोरोजॉइट जाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मॉस्किटो के अंदर स्पोरोजॉइट बना स्पोरोगोनी से। फिर क्या हुआ, उसके प्लाज्मा में आ गया ह्यूमन के, फिर उससे लीवर में चला गया। लीवर में पहले लीवर सेल को जाएगा, वहाँ बनेंगे क्रिप्टोजॉइट, फिर बनेंगे क्रिप्टोसाइजॉइट, फिर क्रिप्टोमीरोजॉइट एंड लीवर साइनोसाइड में चला जाएगा, फिर फ्रेश सेल में चला जाएगा। इस पे दो बनते हैं, मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट और मेटा क्रिप्टोसाइजॉइट, फिर बनेगा मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट, फिर लीवर में जाएगा। इससे दो बनेंगे, मैक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट, माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइट। जो बड़ा सेल होगा वो फिर से लीवर सेल में जाएगा और कंटिन्यू करेगा ऐसे। इसको हम कहते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज। यहाँ फिर जो एरिथ्रोसाइट में जब जाएगा वो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी है। अब हमारे पास माइक्रो क्रिप्टो मीरोजॉइट जो है RBCs में चला गया, फिर यहाँ बनेगा ट्रोफोजॉइट, फिर एरिथ्रोसाइटिक साइजॉइट, फिर बनेगा मीरोजॉइट। मीरोजॉइट फिर यहाँ से आ जाएगा, ब्लड में जाएगा, एरिथ्रोसाइट में आगे जाएगा, फिर यहाँ बनेगा गमेटोसाइट, मेल गमेटोसाइट, फीमेल गमेटोसाइट। जो मेल गमेटोसाइट है, यहाँ फिर द्वारे मॉस्किटो सक करता है ब्लड, फिर अंदर चले जाता है मेल गमेटोसाइट, फीमेल, फिर फीमेल जो मॉस्किटो है एनोफिलीज, उसके अंदर जाएगा, जायगोट बनेगा, ऊकाइनेट ऊसिस्ट, ये उसके स्टमक के अंदर लग जाते हैं, फिर उसकी मल्टीपल फिशन चलती है। तो इस वजह से इसका पूरा लाइफ साइकिल चलता है। तो ये इसका स्टमक है, जिसमें आपको ऊसिस्ट मिलेंगे, ये फेरिंग्स हैं, ये इंसेक्ट का स्टमक है। ये हमारे पास है जर्नलाइज स्ट्रक्चर शो कर रहा है, पिकल जो है एरिया है स्पोरोजोन का।
तो ये आपका डायग्रामेटिकली ही लाइफ साइकिल देख सकते हो जो मैंने बोला है, तो दोबारे से बोलने की जरूरत नहीं है। इसे देख लीजिए, स्पोरोजाइट से लीवर में गया, लीवर से मल्टीप्लाई होते होते बन गया माइक्रो क्रिप्टोमीरोजाइट, फिर रेड सेल में चला गया। रेड सेल में आपके स्टेजेस बनती हैं, रिग्नेंट स्टेज, मीबॉइड स्टेज, रोजेट स्टेज, फिर मीरोजाइट बनता है। तो यहाँ पे जब आपके स्लाइड बनती है, शफनर डॉट बनते हैं, मलेरिया की जो स्लाइड है, मलेरिया जो है ब्लड में तभी डायग्नोज होता है जब वो आरबीसीज के अंदर अफेक्ट करता है। तो आरबीसीज के अंदर जब चला जाता है तो इन्फेक्शन काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो जब स्टेन हम करते हैं लैशमैन स्टेन से, तो डॉट बन जाते हैं आरबीसीज के अंदर। तो जिसको मलेरिया होगा उसके आरबीसीज के अंदर छोटे छोटे डॉट बन जाएंगे, जिसको हम शफनर डॉट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मलेरिया में बनते हैं, जो मैंने एमसीक्यू में भी आपको करवाया था। तो ये आप देख सकते हो साइकिल। बाकी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे मैंने ये बता दिया शफनर डॉट्स और फीवर। फीवर जो है एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी रिपीटेड होती है 5 टाइम। पैरासाइट काफ़ी बड़ा बन जाता है अपना करने के लिए, 48 आवर के बाद ये रिपीट होता है। और यहाँ रेड ब्लड सेल में साइजोगोनी होती है, एक टॉक्सिन बनता है जो पेशेंट को ठंड लगती है, पैरोक्सेम, सडन टेम्परेरी अटैक होता है फीवर का। और ड्यू टू द इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी पेशेंट की, क्योंकि ठंड से लड़ने के लिए इसलिए टेम्परेचर बढ़ता है, यानी ठंड लग के बुखार चढ़ेगा। और बाकी देख सकते हो मेन यहाँ पे स्पीसीज हैं प्लाज्मोडियम की, बायोवैक्स, ओवेले और मलेरिए और फैल्सीपैरम। तो अलग अलग इसकी, जैसे वाइवैक्स है वो करती है बेंजियन टर्शियन मलेरिया, ओवेले करती है बेंजियन टर्शियन मलेरिया, और मलेरिए है क्वार्टर मलेरिया, फैल्सीपैरम क्वाड्रेंट मेलिग्नेंट टर्शियन, और फेटल होता है सबसे ख़तरनाक मलेरिया फैल्सीपैरम करता है। और यहाँ से स्लाइड्स हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं इसकी, अलग अलग आपको नज़र आ जाएंगी आरबीसीज के अंदर कैसे स्टेजेस बनती हैं, अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग स्लाइड बनती है। इंक्यूबेशन पीरियड, मलेरिया के जो सिम्टम्स हैं 10 दिन में आते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब तक वो पैरासाइट मल्टीप्लाई करता है और अपने आप को कैपेबल बनाता है इन्फेक्शन करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मुझे उम्मीद आपको मलेरिया का समझ आ गया होगा कैसे। बाकी आपने मलेरिया कैसे कंट्रोल करना देख सकते हो, ये हमारे टॉपिक में नहीं है। तो फर्स्ट टॉपिक था मलेरिया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास पैरासाइट है बचीरिया वैंक्रॉप्टी, जो करता है फ्लेरियासिस। फ्लेरियासिस को हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। तो इसमें फ्लेरिया लार्वे होते हैं, ये राउंड वर्म के अंडर आता है फ्लेरिया। तो ये वैंक्रॉप्टी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, और कोरिया, जापान, ईस्ट यूरोप, चाइना, विटमान में, फिलीपन में मिलता है। और ये बॉम जो है लिम्फ वेसल्स और लिम्फ ग्लैंड ह्यूमन के अंदर जाता है, इसके लार्वा को माइक्रोफ्लेरिया कहते हैं, और सर्टेन मॉस्किटो के अंदर रहता है, इसका कोई रिजर्वायर होस्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट करैक्टर, इसमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं बचीरिया वैंक्रॉप्टी के। तो यहाँ देख सकते हो इसका जो मेल है और फीमेल्स हैं, फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटा होता है। और यहाँ पे इसका जो साइकिल कैसे चलता है ये भी देख सकते हो। और लाइफ हिस्ट्री, बैंक्रॉफ्टी जो ओबीबी पेरेंट्स है अपने अंदर अंडे रखता है और उसके बाद लार्वे निकालता है। 127 से 320 जो माइक्रो लॉन्ग होता है इसका जो माइक्रोफ्लेरिया लार्वा होता है, और माइक्रोफ्लेरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन द पेरिफेरल सर्कुलेशन बिटवीन 10 से 12 से 2 AM, रात को ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और इसकी अलग अलग सर्कैडियन रिदम है। बैक्टीरिया वैंक्रॉप्टी की जैसे बर्गेरिया, मिलाई, अलग अलग इसकी स्पीसीज़ हैं, वो अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग टाइम के ऊपर मॉस्किटो आता है, क्योंकि ये लार्वे जब ह्यूमन के अंदर चले जाते हैं अपना साइकिल कम्प्लीट करने के लिए, जो है मॉस्किटो ब्लड सक करने आता है और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आएगा। जिस टाइम वो स्किन के ऊपर कब आते हैं तभी वो आपको स्टिंग करेगा। तो यहाँ पे इसका जो रिजर्वायर है वो क्यूलेक्स है, फैटी गैंस मॉस्किटो। और इसमें देख सकते हैं आपको मैन में
अडल्ट वॉर्म लिम्फ ग्लैंड में चला जाएगा, डिलीवर करता है माइक्रोफिलरी ब्लड में, सक करे जाते हैं, क्यूलक्स करता है, फिर इसकी गट में बॉडी में चले जाते हैं, फिर इसकी डेवलपमेंट से फिर द्वारे अंदर आते हैं। पैथोजेनिसिटी देख सकते हो, अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्शन फीवर हो जाता है, लिम्फ ग्लैंड इनलार्ज होते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो वॉर्म जो है लिम्फ वेसल ब्लॉक कर देता है, अकोमोलेट होना शुरू हो जाता है लिम्फ, और इससे हाथी की तरह पैर हो जाता है, आर्म लेग स्क्रोटम फूल जाता है, मम्मी फूल जाते हैं, और इसको एलिफेंटियासिस और बैनक्रॉफ्ट्स फिलेरिया कहते हैं। इसको रोकने के लिए इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसकी ड्यूरिनर पीरियोडिसिटी होती है कॉफ्ट की, और मॉस्किटो को हमने एडीज जो है नेविस जो है इसके अंदर आता है ये, उसको हमने मच्छर को मारना है, इसको कंट्रोल करना है, यही इसका एक अल्टरनेटिव है कंट्रोल करने का। सो मुझे उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा फिलेरियासिस का। नेक्स्ट हम जो टॉपिक है वो एस्कैरिस का करेंगे, जो राउंड बॉम ही है एक, तो चलिए शुरू करते हैं। एस्कैरिस जो लम्ब्रिकॉइड्स है, जायंट इंटेस्टाइनल बॉम है ह्यूमन का, ह्यूमन के अंदर रहता है, मेल फीमेल देख सकते हो, मेल छोटा है फीमेल बड़ी है, तो ये काफ़ी ख़तरनाक कीड़ा है। एस्कैरिस जो है थ्रू आउट वर्ल्ड मिलता है, 75% जो है फिलीपींस में, 50% जो है कोरिया में इसके केसेस देखे गए हैं। और इसका शॉर्टली हम करते हैं, ये इसके एग हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं, इसके अंदर लार्वा होता है, और मेन हम इसका साइकिल करेंगे। इसका जो साइकिल्स होता है ये 10 डेज के लिए रहता है, ह्यूमन के अंदर टूर लगाता है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको एग से। एग जो है मेल एंड फीमेल वॉर्म जो है मेल 30 फीमेल 40 सेंटीमीटर कॉपुलेशन से एग देते हैं इंटेस्टाइन में, फिर जो फीकल मैटर टॉयलेट करेगा बाहर आ जाएंगे। बाहर एग जो है 10 से 14 दिन तक डेवलप होते हैं, फिर इसकी फर्स्ट जुबिलेंट स्टेज आती है, फिर फर्स्ट वीक में मोल्ट करता, सेकंड यूबिलेंट स्टेज बन जाती है, सेकंड यूबिलेंट स्टेज के ह्यूमन के अंदर जाते हैं ओरल फीकल रूट से, गंदे हाथ से खाना खाएगा या पिंच करेंगे पैर से, फिर सेकंड यूबिलेंट स्टेज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, फिर हेपेटिक पोर्टल वेन में जाएगा, फिर लीवर में जाएगा, हेपेटिक वेन में पोस्ट केबल से हार्ट में चला जाएगा, पर्मलरी कैपिलरी में लंग एल्बुलाई में आ जाएगा, लंग्स में सेकंड मोल्टिंग से थर्ड स्टेज बनती है, ग्रोथ करता है, फोर्थ स्टेज लंग एल्बुलाई में बनती है, फिर ब्रोंकियल ब्रोंकाई ट्रैकिया लेयरिंग ओसोफेगस स्टमक इंटेस्टाइन, इवन ये मुंह में भी कीड़ा आ जाता है तो ये ग्रो करता है। तो काफ़ी ख़तरनाक ये गंदा इन्फेक्शन है, और होस्ट के ऊपर क्या अफेक्ट करेगा मेन ये है। तो एस्कैरियासिस इसको कहते हैं, लाइट इन्फेक्शन हो थोड़ा सा होगा, अगर बढ़ जाए तो उसके कॉलिक पेन होती है पेट में राइट साइड, तो बॉम जो है लेफ्ट साइड होगी, सम टाइम डैमेज करता है म्यूकस मेम्ब्रेन के और एंट्राइसिस और इवन पेरिटोनियासिस को डैमेज कर देता है, इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाएगी, डेथ भी हो सकती है, अबाउट 100 बॉम आल टू प्लग इंटेस्टाइन कम्प्लीटली पूरा कर देंगे, ओकेजनली बॉम माइग्रेट इनटू द वर्मीफॉर्म पैंडेंक्स तो वहाँ पे इसको इन्फेक्शन कर देता है, मैकेनिकल इंजरी लीवर की हो जाती है, सीरियस इलनेस हो जाएगी, डेथ हो सकती है, सेंसिटिव पर्सन में डिवेल्प अस्थमा अटैक हो जाता है विच कैन कंटिन्यू अल्टिल द वेंचुअल इलिमिनेशन, तो द कोर्स ऑफ द यूविलाइन थ्रू द बॉडी मे कोज द इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर स्पैम, फीवर, अनीमिया, IgG का लेवल इंक्रीज हो जाता है और IEE का काफ़ी इंक्रीज होता है। इससे बचने के लिए हमें साफ खाना खाना चाहिए, हाथ पैर धो के रखने चाहिए, और जो ये गंदी जगह पे बच्चों को नहीं घूमने देना चाहिए। सो ये था एस्कैरियासिस का, मुझे उम्मीद आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टाइफाइड का है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर, इसको एंटेरिक फीवर कहते हैं। टाइफाइड जो फीवर है सिस्टेमिक इन्फेक्शन होती है, उससे कांस्टेंट फीवर रहता है, काफ़ी वीकनेस आ जाती है, हेडेक, पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, इलियम एंड कॉलन जो है इंफिल्ड हो जाता है, लीवर स्प्लीन इनलार्ज होता है, रोज़ कलर रैश बन जाते हैं बॉडी पे, और चेस्ट में और एब्डोमेन में कई जगह पे ये बन जाएंगे, अल्सरेशन हो जाती है, हीमोहैरिस ब्लीडिंग हो जाती है, इंटेस्टाइन में परपोरेशन हो जाती है, ऑनसेट ऑफ द डिजीज यूजली ग्रेजुअल। जो टाइफाइड है ये रोड लाइक मोटाइल बैक्टीरिया करता है, जिसको हम साल्मोनेला टाइफाई कहते हैं,
ऑर्गेनिज्म इंटर द माउथ के चल जाता है, इंटेस्टाइन में चला जाता है, लिम्फेटिक टिश्यू में इंटेस्टाइन में डेवलप होता है, फिर फीकल मैटर से बाहर आता है। दे में इंटर द ब्लड बाय द लिम्फेटिक चैनल एंड रीच मैनी ऑर्गन सच एज स्प्लीन, लंग, बोन मैरो, लीवर, गॉल ब्लैडर। द डिजीज स्प्रेड बाय द फूड एंड द वाटर कंटेमिनेटेड विद द फीकस एंड पेशेंट। द फाइल फ्लाइज जो हैं मे कैरी द पैथोजन, जो मक्खी होती है हाउस फ्लाई उसके अंदर ये बैक्टीरिया होता है। तो जो गंदा फूड गंदा पानी पीने से ये बीमारी होती है, और फूड मिल्क एंड वाटर से। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 1 से 3 वीक का, एवरेज 2 वीक, उसके बाद बीमारी अपेयर हो जाती है। फीवर जो है 1 मंथ के बाद हटता है। इन्फेक्शन जो है टाइफाइड का यूजली कन्फर्म होता है सर्टेन डिग्री ऑफ इम्यूनिटी, री इन्फेक्शन भी हो जाता है बट जल्दी ठीक हो जाता है। और सम इंडिविजुअल कंटिन्यू टू हार्बर द साल्मोनेले इन द टिश्यू आफ्टर रिकवरी फ्रॉम द टाइफाइड, सच पर्सन आर द कैरियर। यानी कईयों के अंदर परमानेंट कॉलोनी बन जाती है बैक्टीरिया की, उसको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, वो कैरियर बन जाते हैं। प्रिवेंटिव मेजर में इसका है प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए, पानी साफ सुथरा है, फूड कंटेमिनेट ना हो, मक्खियों को दूर रखना चाहिए, उसका इतना पनपने नहीं देना चाहिए। नेचुरल कैलमिटी जैसे फ्लड है, ह्यूरिकेन्स हैं, इसमें भी एटेमिक बन जाती है। टाइफाइड वैक्सीन्स हैं जो इसके लिए अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुए हैं। इसका जो टेस्ट है उसको बिडाल टेस्ट कहते हैं टाइफाइड का, ये आपकी नॉलेज के लिए है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया एक सीरियस लंग प्रॉब्लम है, निमोना लंग को कहते हैं, और इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया करता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, डिप्लोकोकस है, रॉड शेप। मोस्ट कॉमन कॉज द बैक्टीरियल निमोनिया, इट इज़ कॉल्ड निमोमोकोकस। निमोनोकोकाई रीच द लंग बाय द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बाय इनहेलेशन और रेस्पिरेशन। द लोज इन द ब्रोंक्यूल मल्टीप्लाई एंड इनिशिएट एंड इंफ्लामेटरी प्रोसेस इन द एल्बुलाई। द बाल डैट सिक्रीट ए प्रोटीन रिच फ्लूड, द लैटर एक्ट एज द कल्चर मीडिया फॉर बैक्टीरिया एज वेल एज मैकेनिज्म फॉर स्प्रेड टू द अदर एल्बुलाई। ऑनसेट ऑफ द निमोनिया यूजली सडन विद द सिंगल शेकिंग चिल, दिस इज ऑर्डरली फॉलोवर्ड बाई फीवर, पेन एंड ब्रीथिंग इन साइड लंग, इंक्रीज द पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट, कफ, स्पूटम इज कैरेक्टराइज द ब्लड रस्टी। इसका जो थूक है उसमें बलगम आ जाती है, उससे टेस्ट होता है। सांस में प्रॉब्लम होगी, कंजेशन हो जाएगी चेस्ट की, और हार्ट में पेन चेस्ट में होगी, हार्ट की प्रॉब्लम बन जाती है। विद द रिजल्ट लंग डू नॉट सफिशेंट टू सपोर्ट द लाइफ। निमोनिया प्रोड्यूस नो टॉक्सिन सिग्निफिकेंस, देयर वायरलेंस इज ड्यू टू द पॉलीसेक्राइड कैप्सूल विच प्रिवेंट और डिले द इंजेशन इन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बाय फैगोसाइट। इंक्यूबेशन इसका पीरियड जो है 1 से 3 दिन होता है। इन्फेक्शन जो है थूक से फैलता है। निमोनिया जो है स्पोरोडोइक है बट फ्रीक्वेंट इन द विंटर। इट यूजली फॉलो लोअर्ड द बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू वायरल और अदर सेल इंजरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक। एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, अल्कोहल और ड्रग इंटॉक्सिकेशन से जल्दी बढ़ जाता है, एज में ज़्यादा अफेक्ट करता है, माल न्यूट्रिशन हो, वीकनेस हो तब भी ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक द निमोकोकस मे रीच अदर साइट्स सच एज द साइनस, मिडल ईयर एंड मेनिंग्स। निमोनिया मे प्रूव फैटल इफ नॉट ट्रीटेड इन टाइम। मोस्ट फैटेलिटीज फ्रॉम द निमोकोकस अकर इन पर्सन ओवर द 50 ईयर एज। 50 साल से ऊपर चला जाए तो बीमारी ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। वैक्सीन कैन प्रोवाइड वो 9% प्रोटेक्शन। सो ये था निमोनिया का। नेक्स्ट इज द कॉमन कोल्ड। जो कॉमन कोल्ड है उसको हम इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, फ्लू भी कहते हैं। हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, और इससे जो ऑर्थोमाइक्सो वायरस करता है, जो आरएनए वायरस है, और हैविंग द लिपिड इन्वेल्प ड्राइव फ्रॉम द होस्ट सेल। द इनहेल्ड वायरस अटैक द एपिथेलियल सेल इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, थ्रोट एंड द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। द कॉमन सिम्टम इसमें है नोज से डिस्चार्ज बढ़ेगा, स्नीजिंग, फीवर, हेडेक हो जाएगी, मसल में ये चीज़ होगी, कफिंग होगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक फूल जाएगा, वीकनेस आएगी। इन्फेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन चला जाता है कंटैक्ट से और थूक से। एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन हो जाता है,
इंक्यूबेशन पीरियड 48 आवर का है और 4 से 5 दिन में रिकवर होता है। इन्फ्लुएंजा जो है वाइड स्प्रेड स्पोरेडिक डिजीज है और अक्यूट एपिडेमिक बनती है, इसकी पेंडेमिक भी हो जाती है पूरे वर्ल्ड में। जैसे अभी हमारे पास कोरोना वायरस है, ये एक वायरल है जो म्यूटेट हो गया है, कॉमन कोल्ड वाला ही वायरस आगे म्यूटेट हुआ है। सो ये था कॉमन कोल्ड का। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रह गए हैं दो, अमीबोइसिस एंड रिंगबॉम, चलिए वो भी ढूंढते हैं। नेक्स्ट इज द एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जो इंटेस्टाइन का अमीबा है और ये इसमें एक सिंगल सीडोपोडिया होता है और ये कोस करता है प्रॉब्लम। और जनरली हम इसकी लाइफ हिस्ट्री अगर देखें तो टाइम टू टाइम इन्फेक्शन करता है, इंटेस्टाइन में ड्वेलिंग है ट्रोफोजाइड और इंसिस्टमेंट बना के रहता है और 2 से 3 क्रोमेटिडियल बॉडी होती हैं, वो सिस्ट इसकी हार्ड होती है। और बाकी हम मेन इसका इफेक्ट ही देखेंगे। तो ये है एंटमीबा का साइकिल, यहाँ देखिए सिस्ट बने हुए हैं, सिस्ट जो है रप्चर हो जाए हैं, फिर सिस्ट से बाहर आ रहा है टेट्रा न्यूक्लिएट, फिर जंग ट्रोफोजाइट बन रहा है। सो साइकिल इसका देख सकते हो, स्मॉल ट्रोफोजाइट बाइनरी फिशन से लार्ज बनेंगे, फिर प्री सिस्ट बनेंगे, सिस्ट गट में बनेंगी, फिर टेट्रा न्यूक्लिएट, फिर फिकल मैटर में आएंगी, फिर मेटासिस्टिक, ऐसे साइकिल चलता है इसका। और डिसेंट्री करता है ये, द पटेलिटिक एंजाइम सिक्रेटेड बाय पैरासिटिक डैमेज द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन, इसके एंजाइम जो है इरोड करते हैं इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन, इससे ब्लीडिंग आ जाती है, डिसेंट्री आ जाती है, स्टूल में ब्लीडिंग आएगी और पेशेंट जो है वो स्टूल में ब्लड रिलीज करता है, फीवर नोजिया एग्जोशन नर्वसनेस वगैरह हो जाती है, एबेसिस फॉर्मेशन इन ऑर्गन, जो पैरासाइट है वो म्यूकस मेम्ब्रेन इफेक्ट करता है और स्टे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, लंग लीवर ब्रेन में, और ऑर्गन जो है पैरासाइट का फूड बन जाते हैं, मैनी पर्सन जो हैं इसके कैरियर हो जाते हैं। और अमीबाइसिस इज रेयरली एपिडेमिक बट अर्बन आउटब्रेक में अकर ड्यू टू द कॉमन सोर्स ऑफ वाटर कंटेमिनेशन, और इतना खतरनाक नहीं है बट अगर बढ़ जाए तो कंटेमिनेशन एंडेमिक बन जाती है गंदा खाना गंदे पानी से। कंट्रोल इसकी क्लीनिंगनेस, हाथ पैर धोना, खाना अच्छे से पकाना। और ये इसके हैं सिस्ट में बने हुए हैं, ये ट्रोफोजाइट और इसकी सिस्ट है। सो लास्ट हमारे पास एक रह गया है रिंगबॉम, चलिए उसको भी हम ढूंढते हैं। रिंगबॉम जो बेसिकली इसमें है नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो रिंगबॉम होता है वो किसी कीड़े से नहीं होता, रिंगबॉम जो है एक फंगल इन्फेक्शन है और ये स्किन का इन्फेक्शन होता है और इससे गंदे टावल से और कंटेमिनेटर से करने से ये अंडर आर्म जो गोनार्ड में आर्मपिट्स में कर देता है इन्फेक्शन और ये फैलता है, सर्कल बना देता है स्किन पे ऐसे, उसको रिंग कहते हैं। तो ये इसकी जो स्पीसीज जो इतनी मुझे याद नहीं है, वैसे ट्राइकोडर्मा शायद इसका नाम है, तो उससे ये फैलता है, तो ये मल्टीप्लाई करके स्किन को रोड करता है, इसके अंदर चला जाता है, तो इसलिए इसको रिंग बॉम कहते हैं, फैलता है। और ये रिंग बॉम इन्फेक्शन याद रखना है, ये बॉम की इन्फेक्शन नहीं है, ये बेसिकली किसकी इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। सो दोस्तों ये था सारा वीडियो पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिजीज से, मलेरिया फलेरिया स्कैरिस टाइफाइड निमोनिया कॉमन कोल्ड अमीबोइसिस रिंग बॉम। और मुझे लगता है आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिले होंगे, कोई भी डाउट हो काइंडली कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, थैंक यू।